अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप हैं रिस्क पे। आपको किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गई लेकिन है। आज मैं आपको ऐसे 5 ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं, अगर वो आप करें तो आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, या उसे बच सकते हैं, या प्री डायबिटीज से भी निकल सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना वजन कम करना होगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कहती है कि अगर आपका वजन 7 से 10% कम हो जाए तो ये आपकी डायबिटीज प्रोग्रेशन को रोक सकता है, आपको डायबिटीज से प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकता है। और इससे अगर ज्यादा वजन कम करें, आपका BMI बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आपका हेल्दी वेट हो जाए, तो आप डायबिटीज को एक लंबे अरसे तक डिले कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। नंबर पे भाई आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा भाई। अगर सुबह ऑफिस में आप 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे और शाम को घर में जाके टीवी देखेंगे, क्रिकेट मैच देखेंगे और बैठ बैठ के सोफा पे आप मूवीज देखेंगे, तो आप अपना वजन कैसे कम करेंगे, आप कैसे एक्टिव रहेंगे? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको कोई चीज चाहिए, आप अगर मिसाल के तौर पे पानी पीना है, चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, कोई भी चीज जानी, तो खुद उठ के जाके आप कॉफी मशीन पे वहां से कॉफी निकालें, या टी मशीन पे जाए चाय निकालें, या टी खुद बना लें। ऐसा नहीं है आप चेयर पे बैठे रहेंगे तो अपनी चर्बी बढ़ाते रहेंगे और अपना वजन बढ़ाते रहेंगे। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपका वजन कम होता है, आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होता है, आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी, अगर आती है स्विमिंग तो स्विमिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये करेंगे तो आप बहुत अच्छा अपने आप को बचा सकेंगे डायबिटीज से, डायबिटीज को होने से बचा पाएंगे। नंबर पे आपको प्लांट फूड खाना पड़ेगा, हेल्दी प्लांट फूड्स। प्लांट्स के अंदर आपको मिलेंगे फाइटो न्यूट्रेंट्स, आपको मिलेंगे विटामिन्स, आपको मिलेंगे कार्ब्स, आपको मिलेंगे फाइबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप खाएं ब्रोकली, आप खाएं स्पाइनेज, आप खाएं केल, आप खाएं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आप लिग्यूम्स के इस्तेमाल करें। लिग्यूम्स बहुत ही शानदार हैं, जबरदस्त हैं और मजेदार हैं। आप मीट या मीट प्रोटीन या चिकन प्रोटीन या फिश प्रोटीन के वर्सेस ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त होते हैं। इनके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स, जो गुड फैट्स आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी आएगी, पावर नंबर आएगी। पे आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बताया अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो गुड फैट्स है। ये आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको मिलेंगे सलमन फिश से, आपको मिलेंगे सर्डीन फिश से, आपको मिलेंगे टूना फिश से, आपको मिलेंगे मैक्रल फिश से। ये शानदार है, ये जबरदस्त है। इनके अंदर इसके अलावा आपको मिलेंगे ओलिव ऑयल से, इसके अलावा आपको मिलेंगे सनफ्लावर ऑयल से, ये आपको नट से मिलेंगे, लिग्यूम से मिलेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त इनके अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत ही शानदार है। ये आपकी हेल्प करेंगे आपको टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स करने में, या आपको प्रिवेंशन करने में, टाइप 2 डायबिटीज से और प्रिवेंट करने सबसे में। इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है, जब आप एक प्लेट उठाते हैं खाने के लिए तो उसका एक पोर्शन आपका होना चाहिए सलेड्स का, दूसरा पोर्शन होना चाहिए लिग्यूम्स का, तीसरा पोर्शन होना चाहिए वेजिटेबल्स का, और चौथा पोर्शन होना चाहिए हेल्दी फैट्स, जिसमें फिश हो गई, चिकन हो गया, जिनके अंदर हेल्दी फैट्स हो, अनसैचुरेटेड फैट्स हो, गुड फैट्स हो, ये आप इस्तेमाल करें, ये बहुत शानदार है। और नजर रमी रखिए, आप खाना ऐसा खाएं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो। आप ये नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर ये ऐसी चीजें खाएं जो आपका ना सिर्फ आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाए, ब्लड प्रेशर भी बढ़ाए और आपका शुगर लेवल भी बढ़ाए। तो आपको इनको चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। आप अगर डायबिटीज से बच पाएंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच पाएंगे। आपको पता है एक दफा अगर डायबिटीज हो गई तो आपको हो जाएगा आंखों का प्रॉब्लम, आई साइड प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों को डैमेज हो सकता है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है, आपके हार्ट हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी किडनी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लिवर को प्रॉब्लम हो सकता है, यहां तक के आपको डायबिटिक फुट अल्सर हो सकता है। तो आप रखें अपना ख्याल और आप इन चीजों से बचत में रहें। तो जैसे आप डायबिटीज को प्रिवेंट करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप वॉक करेंगे, अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे, आप हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप अवॉइड करेंगे ऐसे गंदे खाने जिनके अंदर साल्ट बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है, जिनके अंदर केमिकल्स बहुत ज्यादा है, तो आप बच पाएंगे डायबिटीज से। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने।